अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमज़ा ख़ान है और आप देख रहे हैं मल्टी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे चेंगहंग रुबा एसी के बारे में। अगर हमारा घर में लगी हुई एसी चेंगहंग रुबा इन्वर्टर एसी थोड़ी देर चलने के बाद, दो तीन मिनट चलने के बाद F6 एरर दे रहा हो, तो उसमें क्या फॉल्ट आ सकता है। तो जो लोग हमारे चैनल पर नहीं हुए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे नए तमाम आने वाले वीडियो आपको बर वक्त पहुँचती रहे। तो दोस्तों, टाइम को बिना वेस्ट किए वीडियो को करते शुरू। तो दोस्तों, सर्किट को हमने खोल ही दिया। दोस्तों, आपने इस तरह करने है, इसको पहले चेक कर देना है, इसकी जो इंडोर से लेके आउटडोर तक का वायर है वो आपने चेक कर देने, क्या आपका वायर ख़राब तो नहीं है। अगर आपका वायर भी ख़राब हो, अगर आपका वायर ख़राब ना हो, आपका वायर ठीक हो, तो फिर आपने इसको चेक कर देने। इंडोर वाला किट हो, इसको आपने चेक कर देने। सेंसर वगैरह, इसकी सेंसर वगैरह को हमने चेक कर दिया, सेंसर वगैरह भी हमारे ठीक ही हैं। और दोस्तों, हमने आउटडोर वाला किट भी चेक कर दिया, आउटडोर वाला किट भी हमारा, सेंसर वगैरह सब कुछ ठीक है। तो दोस्तों, आपने जब भी आपका एसी में कोई फॉल्ट हो तो आपने इंडोर वाला किट और आउटडोर वाला किट दोनों को खोल देने हैं। कोई एक फॉल्ट दे रहा हो तो आपने दोनों को खोल देने हैं, और इसके साथ आपका रिमोट भी होना चाहिए, क्योंकि आपका किट रिमोट के बगैर चेक नहीं होते। अगर आपका आउटडोर में कोई फॉल्ट होते हैं तो आपका आउटडोर वाला फॉल्ट इंडोर के बगैर चेक नहीं होगा, और इसके साथ आपका डिस्प्ले भी होना चाहिए। आपने वहाँ पर चेक कर देने शॉप वाले से, किसी भी नज़दीक मैकेनिक को उसको आपने चेक करा देना है, और आपने इंडोर वाला आउटडोर वाला किट दोनों को लेके उससे चेक करा देने हैं, और इसके साथ रिमोट भी होना ज़रूरी है। दूसरी बात दोस्तों, अभी हमने इसको चेक कर दिया, इंडोर वाला किट हमारा ठीक है, हमारा इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। आउटडोर वाले को हमने चेक कर दिया, उसकी सेंसर वगैरह को हमने चेक कर दिया, सेंसर भी हमारा ठीक है, कोई फॉल्ट नहीं दे रहे। उसके अंदर रिले भी को भी हमने चेक कर दिया, रिले भी हमारे ठीक है। उसके बाद हमने कैपेसिटर को भी चेक कर दिया, कैपेसिटर भी हमारा सही वर्किंग कर रहे हैं, हमारा कैपेसिटर में कोई फॉल्ट नहीं है। अभी आउटडोर के साथ, आउटडोर किट के साथ एक छोटा सा किट और होता है। दोस्तों, फॉल्ट इसी में बता रहे हैं, इसी किट की वजह से हमारा F6 फॉल्ट बता रहे हैं। इसकी हमने सब कुछ को चीज़ को चेक कर दिया, हमारा ये वर्किंग कर रहे हैं, इनडोर वाले भी, आउटडोर वाले भी, और हमारा जो आउटडोर के साथ तो ये जो लगा हुआ है, ये जो छोटा सा किट है, इसके अंदर ये आईसी लगी हुई है। दोस्तों, इसी आईसी में फॉल्ट है हमारा, ये आईसी हमारा ख़राब है। तो इसको हमने चेक कर दिया, हमारा ये जो आईसी है छोटा वाला दोस्तों, ये वाला, इसी वजह से ये हमारा F6 फॉल्ट दे रहे हैं। अगर आपका एसी F6 एरर दे रहा हो तो आपका जो चेंगहंग रुबा इन्वर्टर एसी का जो एरर होते हैं F6 वाला, वो इसी आईसी का होता है। तो आपने ये, तो ये सर, ये आईसी कहीं मिल जाए आपसे, किसी आपने किसी यूज़ एसी से उतारा हो, क्योंकि ये मिलता नहीं, ये मॉडल ये हमने बड़ा ढूंढा, ये हम मिलता नहीं है। अभी हम इसको ये करेंगे, या पूरा जो किट है इसको चेंज करेंगे, और या किसी भी पुराने एसी जो जो जिसके पास वर्कशॉप वगैरह में पड़े होते हैं चेंगहंग रुबा, आपको इसी मॉडल का मिल जाए तो ठीक है। दोस्तों, हमने दूसरे एसी का भी उतार के इस पर ट्राई कर दिया, लेकिन जो उसके साथ जो ये मैच नहीं हो रहे, वो वाला आईसी इसी एसी के साथ मैच नहीं हो रहे। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो के समझ आ गए होंगे। कोई भी दोस्तों का सवाल है तो आप हमसे कमेंट बक्सर में पूछ सकते हो। हमजा भाई को दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।